सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा एकदा सावरकर यांचा मुद्दा हाती घेत शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा गौरव प्रस्ताव मांडण्याच्या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्षाची विधान परिषदेत चांगलीच कोंडी झाली. दिवसभराचं कामकाज झाल्यावर भाजपने हा प्रस्ताव मांडायचा प्रयत्न करताच उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिवसभराचं कामकाज स्थगित केलं. त्यामुळे विधानसभेत सावरकरांच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या भाजपला मग कामकाज संपल्यावर प्रति सभागृह भरून समाधान मानावं लागलं. प्रस्तावात सभी पार्टियों ने इकट्ठा होके आज पारित किया, उसमें कोई भी राजनैतिक बहस नहीं हुई. कांग्रेस के कई लोग इसमें राजकीय टच देने का प्रयास करते थे, लेकिन हम लोग ने एक विषय को महत्व का विषय समझ के भारतीय जनता पार्टी ने इस मराठी मित्र पक्ष हमारे जानकर साहब रहे, खोज साहब, सब लोग ने इसका समर्थन किया और एक मत से मराठी इस शक्ति का विषय इसके ऊपर समर्थन हम लोग ने दिया. नहीं, आज सावरकर देशभक्त है, इसके बारे में किसको शंका रहने का कोई कारण नहीं. और ऐसा एक महत्व का विषय जिस विषय को आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने स्वतंत्र जी सावरकर के विचार के ऊपर अनेक सारे लोगों में चेतना खड़ी की और वही विषय लेके हम लोग स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का गौरव सन्मान का प्रस्ताव रखने 23 अंतर्गत रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन सभापति महोदय ने हमें पहली अनुमति देते ऐसा कहा कि मराठी का एक विधेयक है वह पारित होने के बाद हम आपको यह सन्मान प्रस्ताव रखने का मौका देंगे. लेकिन मराठी का प्रस्ताव होने के बाद सरकार ने तुरंत सभापति ने तुरंत हमारा प्रस्ताव वहाँ लिया नहीं. मैं बात करने जा रहा था, बोल रहा था, लेकिन उसमें ही सभापति ने सभागृह का कामकाज संस्थगित किया और हम लोग हमें बोलने को दिया नहीं. इसलिए हम लोग जो वेल में जाके प्रति सभा विधान परिषद हम लोग ली, वहाँ भाई गिरकर रहे, हमारे जानकर साहब रहे, प्रसाद लाड साहब रहे, कई लोगों ने भाषण किए, प्रस्ताव रखा, हम लोग समर्थन किया और प्रति विधान परिषद करके हम लोग एक मत से हम प्रस्ताव पारित किया. उनके वारिसों को जो संस्थाएं स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के ऊपर काम कर रहे उनको हमारा पारित किया हुआ प्रस्ताव वहां भेजने का हम ठहराव सम्मत किया.